विश्व प्रसिद्ध महाकाल नगरी उज्जैन अब और प्रसिद्ध होने जा रही है। महाकाल परिसर में बने महाकाल लोक के पहले चरण का 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करने वाले हैं। ये सिद्ध स्थान अब महाकाल महाराज के दर्शन के साथ पुराण में दर्ज कहानियां सुनाने को तैयार है। यहाँ देवी देवताओं की और विभिन्न दृष्टांतों से जुड़ी प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। भगवान शिव से जुड़ी महाभारत, वेद और स्कंद पुराण में जिन कहानियों और कथाओं का उल्लेख है, उनके आधार पर महाकाल लोक में प्रतिमाएं दर्शन के लिए तैयार हैं। यहाँ जीवंत होंगी कहानियां, जिनसे होगा इतिहास और वर्तमान का अद्भुत संगम। महाकाल लोक में एक तरफ जहाँ संस्कृत के मंत्रों को उकेरा गया है, वहीं प्रतिमाओं पर बार कोड भी बनाया जा रहा है, जिसके जरिए पूरी कहानी को जाना जा सकेगा। कहीं भगवान महादेव द्वारा त्रिपुरासुर वध को रेखांकित किया गया है, तो कहीं गजानन की मूर्तियों को ऐसा स्वरूप दिया गया है जिनमें वे नृत्य करते नजर आ रहे हैं। रावण की महादेव को प्रसन्न करने के लिए किए गए कठोर तप का भी रेखांकन है, तो सप्तऋषि की मौन धारण किए प्रतिमाएं भी स्थापित की गई हैं। लगभग 20.5 हेक्टेयर में बना महाकाल प्रांगण, जिसकी विशेषता ये है कि यहाँ आने पर किसी भी तरह के गाइड की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि ये मूर्तियाँ खुद अपनी कहानी बताती नजर आएंगी। इनमें इतिहास की जानकारी पूरी होगी। इसके लिए हर प्रतिमा के सामने एक बार कोड होगा, जिसे मोबाइल से स्कैन करते ही छोटी बड़ी जानकारी मोबाइल की स्क्रीन पर उपलब्ध होगी। इससे नई पीढ़ी को प्राचीन कथाओं की जानकारी आसानी से सुलभ हो जाएगी। तो आप भी साक्षी बने इस ऐतिहासिक क्षण का। अपने घर में जरूर जलाएं एक दीप, करें महाकाल को समर्पित अपनी आस्था और पधारें श्री महाकाल लोक 11 अक्टूबर 2022 को उज्जैन में।